अपनी ट्यूशन फीस कैसे खुद से मैनेज कर सकते हो, कि आपके कोर्स में कोऑप या फिर इंटर्नशिप है या नहीं है। अरे 16 महीने के लिए तो आप सेव $36,000 to $40,000। हाय एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का सीन ये है कि आज मैंने सोचा मैं जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कनाडा मूव होने वाले हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं कि आप अपनी, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो अपनी ट्यूशन फीस कैसे खुद से मैनेज कर सकते हो बिना अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लिए। तो इस वीडियो में मैं हर चीज़ कवर करूँगा। आप यूनिवर्सिटी आ रहे हो, आप कॉलेज आ रहे हो, आपका बहुत अच्छा एकेडमिक प्रोफाइल हो या फिर आपका पढ़ाई में इतना अच्छा प्रोफाइल ना हो, स्टिल इन सारे केसेस में आप कैसे अपनी फ़ीस बाय योरसेल्फ मैनेज कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट है हम उस पर बात करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज़ यूनिवर्सिटी सेलेक्शन। सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी लोकेशन में अप्लाई कर रहे हो फॉर एडमिशन। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो जितनी भी हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, जो मेजर बिग सिटीज़ हैं, जैसे कि अगर मैं कनाडा में आपको बताऊं तो टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और जितनी भी ये मेजर सिटीज़ हैं, इन सब में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस रिलेटिवली ज़्यादा है कम्पेयर टू अ स्मॉल सिटी और अ स्मॉल टाउन। तो अगर आप वैंकूवर आ रहे हो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी कम्पेयर टू आप एडमिंटन, विनीपेग, न्यूफाउंडलैंड उस साइड जा रहे हो तो आपकी फ़ीस कम होगी। सेम यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इनकी फ़ीस ज़्यादा होगी। मेमोरियल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रिलेटिवली कम होगी। तो ये था यूनिवर्सिटी का पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री जो होती है ना, आपको मास्टर्स डिग्री मिलती है या फिर पीएचडी या प्रॉपर बैचलर्स डिग्री, बट कॉलेजेस में आपको डिप्लोमा मिलता है। तो बिकॉज कॉलेजेस में डिप्लोमा मिलता है तो उसकी फ़ीस रिलेटिवली लेस होती है कंपेयर टू अ मास्टर्स और अ पीएचडी डिग्री। तो ये था हमारा सेकेंड मेन पॉइंट। बट आप अगर सिर्फ जॉब लेने के लिए, आपके पास ऑलरेडी एक प्रोफाइल है इंडिया में, आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो यहाँ आप आके डायरेक्टली एक डिप्लोमा कोर्स करके भी एक अच्छी जॉब ले सकते हो। सो आप दोनों ऑप्शंस ओपन रखो अपने लिए एंड बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल यू कैन अप्लाई। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। सो गाइस, यहाँ पे ना कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले आप अपनी जिस फील्ड में आना चाहते हो उसकी जॉब मार्केट की प्रॉपर रिसर्च करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फील्ड में किस टाइप की जॉब्स हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल सकती है, रिमोट जॉब मिल सकती है, या फिर आपको साइट पे जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा। इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक बड़े शहर में जाना है या आपको एक छोटी सिटी में जाना है। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल लूँ तो एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं बहुत ज़्यादा रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं कर सकता, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, फैसिलिटी देखनी पड़ती है, काम वहाँ पे जाके करना पड़ता है। मगर आप एक आईटी बैकग्राउंड से हो तो आप किसी भी स्मॉल टाउन में भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एडमिंटन, विनीपेग, कहीं पे भी जा सकते हो और वर्क फ्रॉम होम रिमोट जॉब कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा जॉब्स के बारे में। इसके बाद हम आते हैं एक सेकेंड पार्ट पे कि आप अपना कोर्स कैसे सेलेक्ट करो। सो गाइस, फीस का लेना देना कोर्स से भी होता है, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं तो मास्टर्स में दो टाइप की मास्टर्स होती हैं, एक थीसिस और एक कोर्स बेस्ड। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चेक करना। तो गाइस, जो थीसिस बेस्ड मास्टर्स होती है ना, उसमें पढ़ाई थोड़ी इंटेंसिव होती है, थीसिस लिखने होते हैं, तो उसकी फ़ीस कम होती है और उसमें स्कॉलरशिप्स भी ज़्यादा होती हैं। बट अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक कोर्स बेस्ड प्रोग्राम से, जिसमें सिर्फ पढ़ाई 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 होती है, मतलब थीसिस नहीं लिखनी होती है आपको और मोर जॉब रेडी करने के लिए कोर्स होता है, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है और उसकी ड्यूरेशन भी कम होती है। तो आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते टाइम इस चीज़ पे भी ध्यान देना कि आप थीसिस बेस्ड कोर्स करोगे तो उसकी फ़ीस कम होगी, आप अगर कोर्स बेस्ड प्रोग्राम में आते हो तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। यही अगर मैं बताऊँ आपका एक मास्टर्स और एक डिप्लोमा में, तो मास्टर्स की नॉर्मली फ़ीस ज़्यादा होती है अगर मैं थीसिस बेस्ड मास्टर्स को हटा दूं, एंड डिप्लोमा की फ़ीस इज़ रिलेटिवली थोड़ा बहुत ही कम होती है कोर्स बेस्ड मास्टर्स से। बट अगेन, इट डिपेंड्स अ लॉट कि कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। सो अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ रिलेटेड टू कोर्स। अगर आप यहाँ पे एज अ स्टडी करने आ रहे हो तो कोर्स सेलेक्ट करते टाइम इस चीज़ का पक्का ध्यान देना कि आपके कोर्स में कोऑप या फिर इंटर्नशिप है या नहीं है। तो गाइस, ऐसा होता है ना कि काफ़ी कॉलेजेस में आपको कोऑप मिलती है,
यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकम मिल जाता है, कोऑप वहाँ पे भी मिल जाती हैं, तो उसमें ये होता है, ये एक बेसिकली टाइप ऑफ इंटर्नशिप होती है कि आपका अगर 2 साल का कोर्स है तो 12 महीने की स्टडी हो गई, 6 महीने की इंटर्नशिप हो गई, या फिर 8 महीने की स्टडी हो गई, 8 महीने की इंटर्नशिप हो गई। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इंटर्नशिप पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। तो अगर एक पेड होती है तो आप उस फंड को पढ़ाई करते टाइम यूज़ कर सकते हो अपनी फ़ीस पे करने में भी, और अपने एक्सपेंस भी निकाल सकते हो उससे। तो हर कोर्स में कोऑप नहीं मिलती है। अगर आप चाहते हो कि अपनी फ़ीस को एडिक्वेटली आप निकाल पाओ, तो कोशिश करना कि ऐसा कोर्स देखो जिसमें कोऑप हो, क्योंकि यहाँ पे पेड इंटर्नशिप्स में आप अच्छे पैसे बना सकते हो, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। इसी का मैं एक रियल एग्जांपल दूँ, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड्स के, तो उन्होंने सेलक्रिक कॉलेज से अपना कल्नरी मैनेजमेंट का कोर्स किया था, तो उनके में 8 मंथ्स की कोऑप इंटर्नशिप थी, एंड दैट वॉज पेड। तो उस इंटर्नशिप से आप काफ़ी मनी निकाल सकते हो, एंड दैट यू कैन यूज़ फॉर योर ट्यूशन फीस। तो ये था हमारा कोर्स सिलेक्शन के बारे में। इसमें एक पॉइंट और है, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग सेमेस्टर ब्रेक। सो गाइस, सेमेस्टर ब्रेक इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसमें ये चीज़ होती है ना कि जैसे आपका मान लो 1 साल का कोर्स है 12 मंथ्स का, तो क्या आप उसमें किसी 4 महीने ब्रेक ले सकते हो और आगे से कंटिन्यू कर सकते हो अपने सेमेस्टर्स, या नहीं? तो आई थिंक 1 साल के कोर्स में तो ऐसा मैंने सुना नहीं ज़्यादा ब्रेक लेने का सीन, बट हाँ, अगर आपका 2 ईयर्स का कोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 16 मंथ्स का कोर्स है, तो काफ़ी कॉलेजेस अलाउ करते हैं आपको कि आप एक सेमेस्टर ब्रेक ले लो, मतलब उस सेमेस्टर आपकी स्टडी नहीं होगी, यू कैन वर्क फुल टाइम और आप अपनी फ़ीस कलेक्ट कर सकते हो, एंड देन आप नेक्स्ट सेमेस्टर से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर लेते हो। इसका बस एक ही ड्रॉबैक होता है कि अगर आपका 16 महीने का कोर्स है तो वो बन जाएगा 20 मंथ्स का, लाइक वो थोड़ा बढ़ जाएगा। बट इसका बेनिफिट ये है कि आप उस टाइम में, जिस टाइम आप ब्रेक लेते हो, आप फुल टाइम काम कर सकते हो, सो यू कैन मेक गुड मनी। तो ये हो गया हमारा ब्रेक के बारे में। सो गाइस, यही था कि सेमेस्टर ब्रेक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे अगर मैं अपने कोर्स की बात करूँ, तो मेरा 12 मंथ्स का कोर्स था, उसमें 4 मंथ्स का प्रैक्टिकम था, तो काफ़ी लोग को वो भी पेड मिल गया था, लाइक उन्होंने प्रॉपर काम किया, उनको कंपनी ने पैसे दिए। तो यही आप थोड़ा रिसर्च करके आना कि आपके कोर्स में अगर कोऑप, प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप ये सब है, तो दैट इज़ एन ऐड ऑन। और इसको नेगेटिव वे में मत देखना कि नहीं यार, काफ़ी लोग अनपेड देते हैं। अगर वो अनपेड भी है तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा, आपकी जॉब बहुत इजीली लग जाएगी। तो ये मेरा सजेशन था, अगर आप अपना कोर्स देख रहे हो तो कोऑप प्रिफर करना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ ऑल अबाउट स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स। सो गाइस, कनाडा में अगर आप मूव हो रहे हो ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग बोथ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लाइक अपना स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सीन होता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट की अपनी अलग स्कीम्स हैं, और जो हर प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट है उनकी अलग स्कॉलरशिप्स हैं। तो स्कॉलरशिप्स बहुत सारी हैं, बट स्कॉलरशिप्स के मैं आपको जैसे कुछ तरीके बताता हूँ। तो पहला, तो कोर्स सेलेक्शन में अगर आप थीसिस बेस्ड प्रोग्राम लेते हो, तो उसकी तो बहुत ही सारी स्कॉलरशिप्स हैं। मतलब अगर आप थीसिस बेस्ड मास्टर्स कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, देन बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, मैं उनके नाम दे दूंगा आपको, आप चेक कर लेना। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि गाइस, जो स्कॉलरशिप होती है ना, अगर मैं आपको एज अ कॉलेज में आप प्रेफर कर रहे हो, कोई डिप्लोमा के लिए आना चाह रहे हो, तो हर कॉलेज में आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस स्कॉलरशिप मिलती है, एंड दिस इज़ इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, इंक्लूडिंग कोनेस्टोगा, सेंटीनियल, हम्बर, सेनेका, जितने भी सारे कॉलेजेस हैं ना, लाइक आप, अगर मैं आपको, मैं इसकी भी लिस्ट दे दूंगा, आप देख लेना, चेक कर लेना, मैं वीडियो में डाल दूंगा ऊपर। तो गाइस, इन सारे कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस स्कॉलरशिप मिलती है, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। बस अगर आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए, तो इसका लेने का थोड़ा तरीका ये होता है कि आप थोड़ा अर्ली अप्लाई करो। अगर आप सपोज करो कि आप नेक्स्ट ईयर सितंबर में जाना चाह रहे हो, और अभी 12 मंथ्स पहले की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही एप्लीकेशन खुले आप अप्लाई कर दो, और अगर आप अर्ली एप्लीकेंट होंगे ना, आपका प्रोफाइल थोड़ा ठीक होगा, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहीं अगर आप लेट अप्लाई करते हो, तो उसका काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स पहले ही दे देते हैं लोगों को, और बहुत कम स्कॉलरशिप्स होती हैं जो एंड तक रखते हैं। तो ये एक सजेशन था मेरे लिए, अगर आपको, ये एक सजेशन था मेरा आपके लिए, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो अप्लाई अर्ली, और एंट्रेंस स्कॉलरशिप का हर स्पेसिफिक कॉलेज यूनिवर्सिटी में चेक कर लो। आई थिंक हर, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज एंड द कोर्स, $3,000 to $10,000 ईजीली आपको एज अ ग्रांट, एज अ एंट्रेंस स्कॉलरशिप मिल जाता है, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल।
तो यही था कॉलेज वाले बच्चों के लिए। अब जितनी भी सारी स्कॉलरशिप्स थी इनके मैं नाम नीचे लिख दूंगा और अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइस यहाँ पे जब आप आते हो ना तो आपको अपना मंथली जो बजट है उसको मेंटेन करना चाहिए। और मंथली बजट से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आके आप अलग से फुल रूम फुल फ्लैट लेके रह रहे हो, अंधे पैसे दे रहे हो रेंट पे ही 1,000-2,000-2,500 डॉलर, सो दैट इज़ नॉट वर्थ इट। तो मैं आपको आइडियल कंडीशन बताता हूँ कि जिसको आप फॉलो करोगे ना तो आपका बहुत ईज आउट हो जाएगा अपनी फीस को मैनेज करना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेंट की। सो गाइस रेंट पे बहुत ज़्यादा पैसे मत लगाओ, रेंट हमेशा शेयर्ड अकोमोडेशन देखो, किसी को जानते हो, कोई नोन फ्रेंड है, कोई क्लास का फ्रेंड है, या फिर मार्केट प्लेस से भी लोग मिल जाते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही कमरे में 2-3 लोग रहो। अगर आप कंफर्टेबल हो कि आपको अपना प्राइवेट रूम चाहिए, आप बेसमेंट में एक रूम ले लो, दूसरे रूम में कोई और है, देन ऑल्सो यू कैन गेट अ अकोमोडेशन अराउंड $600। और ट्राई करो अकोमोडेशन आपको किसी बस स्टॉप या मेट्रो के आसपास मिल जाए। तो डोंट स्पेंड मोर देन 600 ऑन अकोमोडेशन। उसके बाद अगर मैं आपको फूड बाकी सब चीज़ों का मिला मिला के बताऊं तो खाने पे 300 से ज़्यादा मत लगाओ और एक्स्ट्रा लगा लो $300-400। तो मंथली बजट आपका 1200 से 1300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टूडेंट आ रहे हो तो एम करो लेस देन $1200। और ये अभी बढ़ चुका है, पहले जब हम आए थे हमारा $900-1000 में निकल जाता था आज से 1.5-2 साल पहले, बट अभी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है तो आपको कम से कम लेके चलो महीने का $1200 का खर्चा आपका बैठेगा। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो, घर पे खाना खाते हो और अपना प्रॉपरली फंड्स यूटिलाइज कर रहे हो। सो दिस वॉज अ सजेशन रिगार्डिंग द मंथली बजट। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स। सो गाइस अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करो। कुछ चैलेंजेस आते हैं इसमें, जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हो या प्रॉपर PhD या थीसिस बेस्ड कोर्स में हो तो वहाँ पे ना कोर्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है तो आपको ना टाइम नहीं मिल पाता। मगर आप किसी कॉलेज वगैरह में जाते हो तो वहाँ इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता, यू कैन ईजीली डू अ पार्ट टाइम जॉब। अगर मैं आपको रूल की बात बताऊं तो आप एज अ स्टूडेंट ऑफ कैंपस तो 20 आवर्स पर वीक कर सकते हो, बट ऑन कैंपस आप अनलिमिटेड आवर्स कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आप कॉलेज में ही काम कर रहे हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये एक थोड़ी सी एडवाइस थी कि पार्ट टाइम जॉब पक्का ढूंढना, और पार्ट टाइम जॉब आप इजीली मैनेज कर सकते हो। आई थिंक 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से अगर आप मैनेज करोगे तो यू मेक अराउंड $1,100-1,200 पर मंथ अलॉन्ग विद योर स्टडी। तो इसमें आपका जो ये मंथली खर्चा है ना, ये आपका पार्ट टाइम जॉब के खर्चे से मतलब इनकम से निकल जाता है। तो ये था हमारा पार्ट टाइम जॉब के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ रियल कि आप कैसे अपना गुजारा आपने निकाल लिया, आपने पार्ट टाइम नौकरी करी, उससे आपका खर्चा निकल गया और आपको खर्चे का आपका सॉर्ट हो चुका है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप फीस कैसे निकालो। तो ये है हमारा लास्ट एंड फाइनल पार्ट। सो गाइस अब ना आपको लास्ट में सबसे क्रूशियल पार्ट पे आ चुके हैं हम। तो मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशंस करके बताऊंगा आप कितने पैसे बना सकते हो और डिफरेंट सिनेरियोस लूंगा। तो सबसे पहले मैंने टोटल वीडियो में 3 सिनेरियो लिए हैं। तो ये हो गई अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, आपका 8 मंथ्स का कोर्स है, ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। दूसरा हो गया आपका 16 मंथ्स का कोर्स है। तीसरा सिनेरियो ये हो गया आपका 20 मंथ्स या 24 मंथ्स का कोर्स है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, आपका 8 मंथ्स का कोर्स है, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आपके कितने पैसे बनते हैं? तो मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से, एक्चुअली मैं अपने नोट्स रेफर कर रहा हूँ एग्जैक्ट फिगर्स के लिए, तो आप माइंड मत करना। सो अगर आपका 8 मंथ्स का कोर्स है तो आपकी मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, यहाँ पे मिनिमम वेज हर प्रोविंस का अलग हो सकता है, अगर आप BC या फिर टोरंटो साइड जा रहे हो तो रफली 16 के आसपास का रेट चल रहा है। तो मैंने रफली 16 का आइडिया फिगर लिया है, आप अपने हिसाब से एग्जैक्ट फिगर्स ले सकते हो। तो $16 पर आवर इंटू 20 आवर्स पर वीक इंटू 4 वीक्स इंटू 8 मंथ्स, तो ये फिगर आएगी आपकी रफली अराउंड $8,000-$10,000 के बीच में। अगर आपका एक साल का कोर्स है, यानी कि आपका अगर 8 महीने का कोर्स है तो आप $8,000-$10,000 बना सकते हो विद योर पार्ट टाइम जॉब। अब आते हैं सेकेंड सिनेरियो पे। तो अगर आपका 2 ईयर्स का कोर्स है, यानी कि आपका 16 मंथ्स का कोर्स है और उसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो यही फिगर की कैलकुलेशन ऐसे होगी $16 पर आवर इंटू 20 आवर्स पर वीक इंटू 4 वीक्स इंटू 16 मंथ्स। तो
ये जो फिगर होगी ये रफली 16,000 to 20,000 के बीच में होगी। ये जो रेंज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर कोई 20 आवर्स पर वीक काम नहीं करता, बहुत लोगों को 8-8 आवर्स की 2 शिफ्ट मिलती हैं तो वो 16 आवर्स ही काम कर पाते हैं एक वीक में। इस हिसाब से जो रेंज है 16,000 to 20,000 के बीच में है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड सिनेरियो पे। ये उस बंदे के लिए है जिसने 2 ईयर्स का कोर्स लिया है जिसमें 16 मंथ्स की स्टडी है प्लस 4 मंथ्स का ब्रेक है, तो टोटल कोर्स ड्यूरेशन जो है दैट इज़ 20 मंथ्स। तो इसकी कैलकुलेशन होगी ऐसे कि इसमें हम पहले 16 मंथ्स का अमाउंट ले लेते हैं जो कि था 16,000 to 20,000, और अब जो हमारा रहा ब्रेक का टाइम जो उसका सेमेस्टर ब्रेक है उसमें अगर वो बंदा एक जॉब करता है फुल टाइम देन ही कैन मेक $16 पर आवर इंटू 40 आवर्स पर वीक इंटू 4 वीक्स पर मंथ इंटू 4 मंथ्स। तो ये आपको फिगर देगी रफली अराउंड $10,000 to $10,500 का 4 महीने की इनकम। और काफ़ी स्टूडेंट्स जिनको अपनी फीस निकालनी होती है वो क्या करते हैं यहाँ पे, उस ब्रेक में दे वर्क मल्टीपल जॉब्स, तो 2 जॉब्स करते हैं वो लोग उन 4 महीने में ताकि वो अपना फंड इजीली निकाल पाएँ। तो अगर मैं आपको इसके हिसाब से बताऊँ कि आप 2 फुल टाइम जॉब करते हो अपने सेमेस्टर ब्रेक में तो आपकी इनकम हो जाएगी $16 पर आवर इंटू 80 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक इंटू 4 वीक्स इंटू 4 मंथ्स। तो ये फिगर आएगी रफली अराउंड 20,000 के आसपास। तो ये थी सारे केसेस के इनकम। और अगर मैं आपको क्विक समरी में बताऊं तो अगर आप 8 महीने के कोर्स के लिए आ रहे हो 1 साल तो आप 8 से 10,000 बना सकते हो। आप अगर 2 साल के कोर्स के लिए आ रहे हो 16 महीने के लिए तो आप 16 से 20,000 बना सकते हो। अगर आप 2 साल के कोर्स के लिए आ रहे हो जो कि 20 महीने का है और आप उसमें एक फुल टाइम जॉब करते हो ड्यूरिंग ब्रेक, पार्ट टाइम तो करते ही हो 16 महीने, उसके अलावा जो आपका 4 महीने का ब्रेक है उसमें एक फुल टाइम जॉब करते हो दैट इज़ 40 आवर्स पर वीक, तो आप बना सकते हो 26 से 30,000। अगर आप उस सेमेस्टर ब्रेक में 2 जॉब करते हो लाइक यू वर्क 80 आवर्स पर वीक तो आप बना सकते हो $36,000 to $40,000। तो ये तो इनकम हो गई आपकी, आपकी पढ़ाई करते करते ही आप इतने पैसे बना सकते हो। तो मैंने इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन इस हिसाब से दिया है कि मैंने थोड़ा ना आपका कैश फ्लो भी बताया है कि आप अगर आप यहाँ एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो कितने पैसे इंडिया से लगाओगे, कितने यहाँ बनाओगे। तो अगर मैं आपका उसका आइडिया दूँ, क्योंकि यहाँ पर ना लोग सिर्फ ये बताते हैं आप बनाओगे कितना, कोई ये नहीं बताता कि भाई यहाँ के खर्चे भी तो हैं, यहाँ आप रहना ऐसे थोड़ी है कि $100-200 में रह रहे हो, आपके रहने का भी डिसेंट अमाउंट जाता है। तो अगर मैं उसको कंसिडरेशन में लूँ सबसे पहले तो ये बता देता हूँ अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो आप अपना जब कॉलेज वगैरह में जो भी आपकी फ़ीस है मैं बता दूँ, अगर आप SDS वीज़ा लगाते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको फर्स्ट ईयर की 2 सेमेस्टर की फ़ीस देनी होती है टू अप्लाई फॉर वीज़ा। उसके साथ साथ आपको एक GIC एक वो होती है लाइक $10,000 की, जिसको हम बोलते हैं हमारा ये हमारा मंथली खर्चा है लाइक गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट लाइक दैट। तो वो $10,000 एज हम शो करते हैं कि ये हम एक्सपेंस के लिए यूज़ करेंगे, कैनेडा की गवर्नमेंट रिक्वायर करती है, प्लस 2 सेमेस्टर की फ़ीस। जब ये अमाउंट हम पे कर देते हैं उसके बाद हम वीज़ा लगाते हैं। तो ये अमाउंट आप रफली लगा लो कि अगर आपकी फ़ीस $20,000 थी 10 से 12 लाख, उसके ऊपर 6 लाख $10,000 और, तो इंडिया से अगर आप आ रहे हो आपको 15 से 18 लाख लगा के यहाँ पे आप आ सकते हो। और उसके बाद आपका रिमेनिंग जो भी जितना भी खर्चा हो गया, जितनी भी फ़ीस हो गई, वो सब आप रिकवर कर सकते हो। अगर इसी फिगर के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, आपने $25,000 to $30,000 विद योर GIC एंड 2 ईयर्स फ़ीस इंडिया से दे दी, लगा लो आपकी 20,000 की फ़ीस, 25,000 की फ़ीस और बच गई इन डॉलर्स, और इस पे आप ऐड करो आपका लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा कितना होता है। तो यहाँ पे अगर आप $1,000 पर मंथ लीस्ट लेके चल रहा हूँ, 1,000 से 1,200 है तो 12,000 साल का, 2 साल का 24,000, तो आपका बचा $24,000 2 साल का खर्चा हो गया, प्लस आपको $20,000 की फ़ीस निकालनी है, तो ये रफली फिगर हो गई 40,000 के आसपास तक। तो यहीं अगर आप, मैंने आपको जैसे सिनेरियो बताया है कि अगर आपको $40,000 तक निकालना है तो आप 16 मंथ्स अपना काम करो पार्ट टाइम अलॉन्ग विद योर स्टडी, और आप अपने अगर ब्रेक में 2 जॉब करते हो देन यू इजीली ब्रेक इवन दैट, मतलब आपका इजीली अपनी फ़ीस वगैरह आप खुद से बिना पेरेंट्स से मांगे निकाल सकते हो। और यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ये करते हैं, टू बी ऑनेस्ट लाइक आप अगर यूनिवर्सिटी में हो तो आपकी स्टडीज़ बहुत हेक्टिक हो जाती हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट हाँ ब्रेक के टाइम पे आप इजीली काम कर सकते हो। तो वो 4 महीने का टाइम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेटेड से घूमोगे आप, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट
अपना माइंड फोकस रखना, वो 4 महीने पैसे निकाल लिए, बना लिया, आपका ब्रेक इवन हो गया, आपका पहले का डेट ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ मोस्टली स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं वो ऐसा ही करते हैं। तो यही था गाइस, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके आपको रियल एग्जांपल्स बताए हैं, मेरे खुद के काफ़ी फ्रेंड्स हैं उन सब लोगों ने ऐसा ही किया हुआ है। और अगर मैं अपने केस की बात करूं तो मेरे पे कोई ब्रेक नहीं था, प्लस मेरी मास्टर्स डिग्री थी तो वो काफ़ी टाइट शेड्यूल था, एकेडमिक थोड़ा इंटेंस कोर्स था, तो मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया है। दो मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करी हुई हैं एंड दैट आई कुड ईजीली मैनेज विद माई स्टडीज़। तो यही सो गाइस, इतना ही था आज की वीडियो में। आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके दिल में दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना, मुझे बताना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। सो गाइस, मैंने ना व्लॉगिंग के लिए एक बढ़िया GoPro 11 लिया है, तो आप बताना उसकी क्वालिटी कैसी लगती है और कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। डन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।